आज तारीख हो चुकी है 23 जून। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी एपीएल टीमों को लेकर, टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो ये सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली और यहाँ पर तंजीम हसन की तरफ से। दरअसल कल खेले गए भारत और यहाँ पर बांग्लादेश के मुकाबले में जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली ने यहाँ पर तंजीम को एक छक्का लगाया था और अगली बॉल पर तंजीम ने यहाँ पर विराट कोहली को बोल्ड आउट कर दिया था। और विराट कोहली आउट करने के बाद ये विराट कोहली को यहाँ पर स्लेज करते हुए दिखे थे। विराट कोहली के पास जाकर ये यहाँ पर वियर्ड सेलिब्रेशन कर रहे थे, विराट कोहली को यहाँ पर स्लेज कर रहे थे। हालांकि विराट कोहली ने उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था, ना ही विराट कोहली इनकी तरफ देखा था। विराट कोहली सीधे सीधे पवेलियन चले गए थे। लेकिन हमें पता है कि विराट कोहली को आज तक क्रिकेट में जिसने भी यहाँ पर स्लेज किया है वो उससे विराट कोहली ने दोबारा बदला जरूर लिया। तो अब यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद वैसे भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगी, तो होपफुली विराट कोहली वहाँ पर तंजीम से यहाँ पर बदला लेते हुए देखे। यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ICC भी इस मैटर में लुक फॉरवर्ड करेगी। ICC की तरफ से अपडेट है कि ICC इस मैटर में लुक फॉरवर्ड करेगी और तंजीम का अगर यहाँ पर सेलिब्रेशन वैलिड नहीं होता तो जिस प्रकार से हर्षित राणा को बैन किया गया था उस प्रकार से इनको भी बैन किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली और ऋषभ पंत की तरफ से। दरअसल कल यहाँ पर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलकर यहाँ पर आउट हुए थे। पिछले 2 मुकाबलों में रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए थे और आउट होने के बाद जब ये डगआउट में आए थे तब विराट कोहली इन पर गुस्सा करने लग गए थे। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियोस देख पा रहे होंगे। विराट कोहली काफी अधिक यहाँ पर गुस्से में थे, जहाँ पर इनके यहाँ पर लगातार एक ही तरीके से आउट होने से विराट कोहली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो कुल मिलाकर विराट कोहली यहाँ पर इनको धमकाते हुए यहाँ पर नजर आए थे डगआउट में जब कैमरा इन पर था। तब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से विराट कोहली इनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का शायद आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, इस वजह से ये अपना 100% से भी अधिक यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड कप भारतीय टीम को ये किसी भी हाल में जिताना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल IPL 2024 के एडिशन की चैंपियन टीम कोलकाता के लिए यहाँ पर बड़ी कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जहाँ पर पहले खबर थी कि ईडन गार्डन में अब यहाँ पर टोटली यहाँ पर काम चलेगा, लगभग 1.5 साल यहाँ पर काम चलेगा, स्टेडियम को टोटली रिनोवेट किया जाएगा। 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रिनोवेट स्टेडियम को किया जाएगा और यहाँ पर 2 साल यहाँ पर मुकाबले नहीं होंगे। लेकिन अब बड़ी कुछ खबर ये कि यहाँ पर कोलकाता में होने वाले यहाँ पर इस रिनोवेट के काम को रोक दिया गया है। कोलकाता में यहाँ पर ईडन गार्डन में काम नहीं होगा, इस वजह से अब IPL 2025 के एडिशन के यहाँ पर मैचेस हो पाएंगे। स्पेशली कोलकाता ने IPL जीता है तो IPL 2025 के एडिशन का पहला मुकाबला और फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन में होगा, तो कोलकाता के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोलकाता की टीम अगर अगले साल भी प्लेऑफ्स में जाएगी तो इस टीम को प्लेऑफ्स के मुकाबले और फाइनल मुकाबला अपने होम ग्राउंड में, अपने यहाँ पर होम ग्राउंड में यहाँ पर ईडन गार्डन में यहाँ पर खेलने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर इस प्रकार की IPL की खबरें हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। ये खबर कल ही हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई की तरफ से एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर MS धोनी IPL 2025 का एडिशन भी हमें खेलते हुए दिखेंगे। दरअसल यहाँ पर हमारे सोर्सेज से ये पता चला है कि MS धोनी एक और IPL का एडिशन खेलेंगे। तो IPL 2024 का एडिशन जो कि समाप्त हुआ, MS धोनी का आखिरी एडिशन नहीं है। हैज़ ऑफ नाउ आ रही अपडेट्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IPL 2025 का एडिशन भी यहाँ पर MS धोनी खेलेंगे। हालांकि मेगा ऑप्शन से पहले आखिर ये अपने आप को 3 रिटेंशन में रखेंगे या फिर ऑप्शन में जाएंगे, ये MS धोनी पर टोटली डिपेंड करता है, ये उनका पर्सनल फैसला पर्सनल चॉइस रहेगी। लेकिन MS धोनी ने चेन्नई को कन्फर्म्ड कर दिया कि एक और साल वो यहाँ पर खेलेंगे और गायकवाड़ के साथ वो रहेंगे और गायकवाड़ को यहाँ पर गाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर ये चेन्नई के फैंस के लिए, IPL के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इस प्रकार की छोटी बड़ी सारी खबरें सबसे पहले मिल जाती है। यूट्यूब पर एक दिन बाद खबर आती है, टेलीग्राम पर सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है टीम इंडिया की तरफ से। दरअसल टीम इंडिया अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में यहाँ पर क्वालिफाई हो चुकी है, कल बांग्लादेश को हरा कर अब सेमीफाइनल में अपनी जगह भारतीय टीम ने पक्की कर ली है। तो कुल मिलाकर इस वर्ल्ड कप में अब तक भारतीय टीम का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, 5 लगातार भारतीय टीम मुकाबले जीत चुकी है। इसके साथ ही अब भारतीय टीम का आखिरी यहाँ पर लीग मुकाबला या फिर सुपर 8 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर ये मुकाबला भारतीय टीम हार भी जाती है तो भी ज्यादा फर्क भारत को नहीं पड़ेगा, तो भी
जरूर सेमीफाइनल में जगह पक्की रहेगी। तो कुल मिला करें अब भारतीय टीम के यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मुकाबले जीत करें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यहाँ पर हाथ में आ सकती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कि इस साल भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत रही है या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबलों को लेकर। दरअसल आज भी सुपर 8 के वर्ल्ड कप के 2 मुकाबले होंगे, जहाँ पर सुबह 6 बजे से अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा, जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये मुकाबला चल रहा होगा या फिर समाप्त हो गया होगा। जबकि यहाँ पर रात 8 बजे यूएसए और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर बड़े मार्जिन से मुकाबला जीतना होगा, इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो सुपर 8 के लिए आज के मुकाबले काफी इंपोर्टेंट होंगे। आप कमेंट करके बताइए आज के मुकाबले में आप कौन सी टीमों को सपोर्ट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर विराट कोहली के स्टेटमेंट को लेकर। दरअसल कल रात हुए मुकाबले के दौरान इंसिडेंट के बाद विराट कोहली का यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया, जहाँ पर विराट कोहली ने यहाँ पर जो यहाँ पर इनको यहाँ पर तंजीब हसन ने जो स्लेज किया था उस पर विराट कोहली ने यहाँ पर ये कहा कि उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। विराट कोहली ने कहा कि यहाँ पर क्रिकेट में ये सब कुछ चलता है, जहाँ पर एक प्लेयर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से वो यहाँ पर एग्रेसिव भी हो जाता है, एग्रेशन भी दिखा देता है। विराट कोहली ने कहा कि वो खुद भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर वो खुद भी यहाँ पर एग्रेसिव हो जाते हैं, वो खुद भी एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर किसी प्लेयर के पास जाकर इस प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं करते। तो तंजीम हसन के यहाँ पर सेलिब्रेशन से विराट को कोई भी प्रॉब्लम या फिर समस्या नहीं है, लेकिन विराट ने ये कहा कि इतने पास आकर सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, दूर से सारा सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। दरअसल कल के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर 2 बॉलों पर 6 रन बनाकर ये आउट हो गए थे। इससे पहले 2 मुकाबलों में 2 लगातार इनके अर्धशतक थे, लेकिन कल के मुकाबले से पहले ये एमबीए चाय वाले के साथ यहाँ पर फ्लाइट में मिले थे। उन्होंने इनको लेकर यहाँ पर ट्वीट किया था और पोस्ट भी डाली थी, और उनसे मिलने के बाद इनका ये परफॉर्मेंस आया। तो कुल मिला करें जिन से यहाँ पर एमबीए चाय वाला मिलता है, हमें पता है कि उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आती है। होपफुली सूर्य कुमार यादव यहाँ पर अगले मुकाबले में स्पेशली अब नॉकआउट मुकाबलों में दोबारा यहाँ पर फॉर्म में आ जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सूर्य कुमार यादव की आखिर सेमीफाइनल या फिर फाइनल में हमें अर्धशतक या फिर बड़ी पारी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।